इमरान अशरफ़ की जानिब से तमाम दोस्तों को बहुत प्यार और सबको सलाम। ये यूनिवर्सल प्रोग्रामर है RT809H 24 अडाप्टर के साथ। ये मैंने मंगवाया है और इस जैसे और भी मेरे पास मौजूद हैं। और ये जो इसकी क्वालिटी है वो ये है कि नॉर नैंड EMMC EC MCU ISP ये कनेक्टेड होकर रीड एंड राइट करता है। ऐसे बोर्ड्स जो के जिनके सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए, ये मैंने अनबॉक्स किया है इसको, RT809H को, ये मेरे हाथ में। और इसके जे टेक का जो पॉइंट है वो ये है, ये जे टेक का पॉइंट है। और वीजे के जो है वीजे कनेक्टेड है। और इसमें आप ये देखिए कि ये HDMI जो पोर्ट है, HDMI ऐसे बोर्ड्स में जिसमें वीजे कनेक्टर नहीं होता तो उसमें हम HDMI से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी ये जो है ये स्लॉट जो है, इसके ऊपर आप डिफरेंट जो है स्लॉट्स के ऊपर आप अडाप्टर लगाकर आप अपने मतलब के जो ICs हैं, चिप्स हैं, उनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके जो डिफरेंट इसके साथ जो अडाप्टर आए हैं वो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये वो अडाप्टर्स हैं जो उसके साथ आए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये अडाप्टर हैं, बहुत फाइन अडाप्टर्स हैं। मार्केट में अगर हम लेने जाएंगे इनको, सिंगल हैंडेड लेके अगर ख़रीदेंगे सिर्फ अडाप्टर को, तो 1500, 1200, 1300, 1600 इस तरह के हैं। और ये मिलते भी इतनी आसानी से नहीं है, बहुत मुश्किल से ये अवेलेबल होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में ये इनका अवेलेबल होना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के अडाप्टर्स हैं और यहाँ हमारे पाकिस्तान में जो शॉप्स के ऊपर ये अवेलेबल नहीं है। सिर्फ RT809H ये सिर्फ ये दे रहे हैं, इसको सोल्ड कर रहे हैं पाकिस्तानी, 18,000 रुपये का सिर्फ ये सोल्ड हो रहा है। और उसके साथ ये वायर्स देते हैं कि ये वायर्स इसके साथ आते हैं, बाकी का सामान वो लोग नहीं देते या निकाल के बेचते हैं। क्योंकि इसमें जो उसके साथ अडाप्टर्स हैं वो बहुत ही फाइन क्वालिटी के अडाप्टर्स हैं, ये देखिए आप। और ये अडाप्टर्स ये लोग जो हैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं, 1500, 2000, जिस तरह से भी जो, तो इस तरह से उनको जो ये प्रोग्रामर जो मंगवाते हैं बाहर से, तो ये एक प्रोग्रामर से 30,000 तक, ये 30 से 32,000 तक या इससे ज़्यादा ये लोग अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं। ये लैपटॉप की प्रोग्रामिंग के लिए काम आता है, लैपटॉप के जो मेन बोर्ड्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग्स के लिए ये कनेक्टर काम में आते हैं। और ये जो टूल है इससे हम जो इसकी PLCC जो है उसको हम निकालने का काम और लगाने का काम करते हैं, ख़ासतौर पर निकालने के काम में आती है ये इसके साथ दी जाती है, जो कि यहाँ ये अवेलेबल नहीं है। ये इसकी कनेक्टिंग पोर्ट है जो आपके इस प्रोग्रामर को लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर देता है। इसके साथ साथ ये इसका VGA केबल है जो VGA से बोर्ड को इससे कनेक्ट कर देता है रीड एंड राइट करने के लिए। ये एक और अडाप्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी के ये अडाप्टर्स हैं, बहुत ही फाइन प्रोडक्ट है। और डॉलर भी सब जो है काफ़ी अब जा रहा है इस वक्त, आज का जो करंट रेट है डॉलर्स का पाकिस्तानी, तो 128 रुपये पहुंच चुका है इस वक्त पाकिस्तानी डॉलर्स। तो जब हम ये प्रोडक्ट बाहर से बाय करते हैं तो वो हमें जो पेमेंट है वो डॉलर्स में बता रहे होते हैं, उसके बाद जिस बैंक के ज़रिए हम ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या क्रेडिट कार्ड या वेस्टर्न यूनियन, तो वो डिटेक्शन करता है, फिर शिपिंग कंपनी के जो शिपिंग चार्जेस होते हैं या DHL जो चार्जेस होते हैं वो $59 DHL चार्जेस हैं। और
दूसरे जो कंपनीज हैं उनके चार्जेस $48 हैं, $39 हैं, इस तरह से मुख्तलिफ ये चार्जेस होते हैं जो टोटल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, बाज़ कंपनियाँ फ्री शिपिंग का भी आपसे वादा करती हैं, फ्री शिपिंग देते हैं वो लोग, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन 45 डेज, 30 डेज इतना होता है। तो जो अगर प्रोडक्ट आपको 7 से 15 दिन में चाहिए तो फिर उसके लिए शिपिंग प्राइस जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जब हम उसको ऐड करते हैं पाकिस्तानी में कन्वर्जन उसको लेते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है हमें काफ़ी महंगी जो है साबित होती है। तो जो दोस्त हमारे चाइना जाते हैं तो ये प्रोडक्ट हम उन दोस्तों से मंगवाते हैं जो चाइना जाते हैं, और वो लोग चाइना से वापसी पर 8-10 प्रोग्रामर अपने साथ रख लेते हैं और यहाँ मार्केट में हम जैसे जो टेक्नीशियंस हैं तो वो उनको सेल कर देते हैं। तो ये उनकी मेहरबानी है कि वो हमें ज़्यादा चार्ज नहीं करते। आप इसको ख़ुद ही मंगवा सकते हो लेकिन ये फिर काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं इसमें जो सेल कर रही हैं ये प्रोडक्ट। ओरिजिनल जो आप ये देखें आईफिक्स जो है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है और जिसने इस प्रोडक्ट को बुलंदियों तक पहुंचाया है अपनी बहुत अच्छी बैकअप सपोर्ट के साथ, और अपडेट देते हैं तकरीबन हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसका सॉफ्टवेयर का अपडेट देते रहते हैं। तो उससे ये कि हमें काफ़ी आसानी होती है। और वो आईसीज जो इस लिस्ट में शामिल नहीं होती तो वो ऐड हो जाती हैं। वैसे हम ख़ुद भी इसको ऐड कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर का अपडेट मिलता रहना, फीडबैक मिलता रहना, कुछ प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और इस डिवाइस के ज़रिए आप अपने जो मोबाइल फ़ोन्स रिपेयर करने वाले लोग हैं जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग वगैरह में दिलचस्पी लेते हैं और जो ये काम करते हैं, जो डेड मोबाइल्स होते हैं ब्रेक हो जाते हैं मोबाइल के सर्किट, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मेरा डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें तस्वीरें हैं, पिक्चर्स, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, तो वो किस तरह से लेंगे। डैमेज बोर्ड हो गया तो वो हम इसकी मदद से ले सकते हैं, RT809H की मदद से हम वो बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे ये EMMC के कनेक्शन हम उस बोर्ड में लगाएंगे। 3 बेसिक कनेक्शन होते हैं EMMC के, DO CMD CL के, ये 3 मेन कनेक्शन है जिसमें ड्यू जो DO जो है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी कनेक्शन है, बहुत हाई, तो और इनकी जो लेंथ इसमें दी हुई है ये कनेक्टर यूज़ होता है JTAG के लिए, और इसकी जितनी लेंथ इसको आप ना बढ़ाएं, और ये बिल्कुल आप समझ लें कि जब ये कनेक्ट होता है तो बोर्ड बिल्कुल आपका इसके पास होता है और इसकी लेंथ को आप ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर ये लेंथ ज़्यादा करेंगे आप तो JTAG करना मुश्किल हो जाएगा, ये ख़ास बात है। उसकी एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ कि इसमें आप इस यूनिट में जब आप प्रोग्रामिंग के लिए स्लॉट यूज़ करेंगे तो इसको आप चाहे ऐसे लगा लीजिए चाहे आप इसको ऐसा लगा लीजिए, ये दोनों सूरतों में काम करता है और प्रॉब्लम नहीं करता, ये सबसे बड़ी खूबी इसकी है। और ये काफ़ी फास्ट है AMMC डिटेक्शन रीड एंड राइट। तो आप ऐसे मदरबोर्ड्स आपके कि जो कि डेड हैं, नहीं रिकवर हो रहे सॉफ्टवेयर के इशू में या गलत सॉफ्टवेयर करने की वजह से वो ख़राब हो गए, स्टार्ट नहीं हो रहे, बिल्कुल मुकम्मल डेड हो गए, तो उसको आप उसका सॉफ्टवेयर आप उसका रिमूव कर सकते हैं। अपने पास से जो आपके पास सॉफ्टवेयर की फाइल है उसको आप राइट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड आप कामयाबी के साथ उनको अलाइव कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको जानकारी होना, मालूमात होना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत प्रोफेशनल टूल है, इसमें इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी रखते हैं इसको सीखने के लिए, इंडिया में भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं लोग, लेकिन मसला ये है कि ये एक महंगी प्रोडक्ट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम
जब अपनी शॉप में अर्निंग करते हैं तो हम खाली हाथ ही अपनी शॉप पे बिठाते हैं, और फिर जहाँ वर्किंग करने के बाद ही हम अर्निंग करते हैं। तो वो अर्निंग का अगर हम आप हिसाब लगाएं कि अगर एक दिन में हम जो भी कमाते हैं उसका 10% हम अलग उठा के रख दें, तो एक महीने में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये प्रोडक्ट जो है आप आसानी ख़रीद सकें। तो रोज़ाना जो भी आप अर्निंग करें तो उसका 10% आप अपने पास सेव कर लें अलग से, तो वो आप जो है ना इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदने के लिए, क्योंकि यही प्रोडक्ट जो होती हैं, इसी तरह की जो डिवाइसेस होती हैं, ये आपके पास होना ज़रूरी है कि ये इससे आप अर्निंग कर लोगे, आप ख़राब बोर्डों को स्टार्ट कर लोगे और आप अपनी अच्छी रिकवरी कर सकते हो, मार्केट का काम कर सकते हो। और मार्केट का काम इस वाले से बहुत ज़्यादा यूँ है कि स्मार्ट बोर्ड्स, एंड्रॉयड बोर्ड्स की जो सॉफ्टवेयर के काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो ये बेहतरीन एक टूल है आपके लिए। इसके अंदर मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसको ज़रूर एक बार परचेज़ करें, और इंसान काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप उसको ना सीख सकें, तो ये आप बिल्कुल सीख सकते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको आप ना सीख सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी आपको ये समझने के लिए कि RT809H का तस्करा हर जगह होता है, तो ये आखिर में है क्या। तो ये मैंने आपको दिखाया कि RT809H है अपने अडाप्टर्स के साथ, और इतनी कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपके समझ में ना आए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हर काम में। जब रिपेयरिंग हम स्टार्ट की थी तो हमने सीखने में भी उस वक्त थोड़ा सा टाइम लगा था, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन इस डिवाइस को आप समझ लेंगे। बाकी अगर आपको कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है पाकिस्तान के लिए 0313-9292-880, और यही मेरा व्हाट्सएप इंटरनेशनल ही है। बस इसमें आपने क्या करना है, +92 लगाना है, +92313-9292-880। और मेरा ये चैनल है, मैं इसको दोबारा एक्टिव कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें आप, और इसमें कमेंट्स दें कि क्या आप सोचते हैं। और अगर किसी को ये डिवाइस ख़रीदनी है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं उसको बहुत अच्छे प्राइस में ये मुकम्मल अडाप्टर के साथ उसको ये दिलवा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।